असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 3 कंटेनर्स है, टैंकर्स है, जिसके अंदर 187 लीटर्स, 231 लीटर्स एंड 275 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली भरा हुआ है, और आपको एक ऐसे लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी चाहिए, ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो इन तीनों कंटेनर्स के, इन तीनों टैंकर्स के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सके। डैट मीन्स यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, लैंग्वेज पर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट प्रोबेबली, आपको उस क्वेश्चन में एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड थिंग, आप खुद से दिमाग लगाएंगे कि आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इनको मेजर कर सके, इनके अंदर के पेट्रोल को मेजर कर सके। डैट मीन्स आपको एक ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, और ऐसा नंबर हमेशा एचसीएफ होता है। तो आप इन तीनों ही नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो इसकी स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे, आपको डायरेक्ट लिख देना है, आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होगी कि आप एचसीएफ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डैट FCF of 187, 231 and 275 will give us the capacity of the container. ठीक है, तो हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं। 187 के फैक्टर्स क्या होंगे? 187 के आप फैक्टर्स करेंगे तो 11 into 17, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। देन वी नीड 231 के फैक्टर्स विच आर 7 into 3 into 11। ध्यान रखिएगा कि आपको जो फैक्टर्स लेने हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। एंड 275 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5 into 5 into 11, दैट मीन्स 5 का पावर 2 into 11। नाउ HCF आपको पता है, HCF इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। सो HCF आप लिखेंगे, HCF इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 11 है, तो 11 और लीस्ट पावर 11 की 1 ही है, तो HCF क्या होगा, 11। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ डिजायर्ड कंटेनर इज 11 लीटर्स, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसमें स्टेटमेंट बहुत मिनिमम है, लेकिन आपको लिख कर आनी है और फैक्टर्स ठीक से आपको शो कराने हैं एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, एंड जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं उसको मेंशन जरूर करना है। हालांकि इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं जिसको हमें मेंशन करना हो, या कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसको हमें मेंशन करना हो, बट इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी का यूज करना है, यू हैव टू मेंशन दैट, अदरवाइज आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। इन केस आपको इसके किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, बट उस स्टेप को स्पेसिफिकली लिख कर लाइएगा। मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। थैंक यू।